हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक आरडीएक्स एडिटर चैनल। सो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो फिर मैं आज आप लोग को बताऊंगा मैं कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूं जब मैं अपना फोटो एडिट करता हूं फुल एचडी में। तो मैं कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूं एंड आप लोग को कहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर बिना देर के वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ओपन कर लेना होगा प्ले स्टोर, ठीक है। तो सिंपली हम बैक आ जाते हैं, बैक आ करके दिखाते हैं मैं कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोग को, सबसे पहले मैं लाइटरूम एप्लीकेशन यूज करता हूँ, उसके बाद ऑटोडेस्क एंड उसके बाद स्नैपसीड एंड लास्ट में आता है टूलविज, ठीक है मेरे भाई। एंड उसके बाद जो भी आई में लेंस लगाना हो या कट आउट करना हो एब्रो पे, तो उसके बाद मैं यूज करता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। एंड अगर मेरे को पीएनजी डाउनलोड करना है तो सबसे लास्ट में इस एप्लीकेशन का मैं यूज करता हूँ, जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ। देखिए इमेज, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन है। एंड देखिए यही एप्लीकेशन है जिसे मैं पीएनजी डाउनलोड करता हूँ। एंड यही मेरा एप्लीकेशन है जिसे मैं एप्लीकेशन को यूज करते इन्हीं पांच एप्लीकेशन को यूज करके और मैं अपने फोटो को कुछ इस तरीके से देखिए जो डिस्प्ले पे फोन जो फोटो लगा है उसी फोटो को मैं एडिट किया हूँ इसी पांच एप्लीकेशन को यूज करके। तो अगर आप लोग को भी जानना होगा मैं एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड किया हूँ तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक छोटा सा आप लोग के लिए नॉलेज वीडियो है, ठीक है भाई, नॉलेज वीडियो। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना होगा प्ले स्टोर पे। देन प्ले स्टोर पे आने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे आ जाने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है स्नैपसीड, ठीक है भाई। पहले आप लोग यहाँ पे स्नैपसीड सर्च करेंगे ना तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ एंड स्नैपसीड का लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सिंपली हम लोग बैक आ जाते हैं। देन बैक आने के बाद सिंपली आप लोग को बताता हूँ लाइटरूम, LIGHT लाइटरूम, ठीक है मेरे भाई। सिंपली आप लोग यहाँ लाइटरूम सर्च करेंगे तो देखिए लाइटरूम एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से इंटरफेस, कुछ इस तरीके से लोगो होगा लाइटरूम एप्लीकेशन का, तो ये भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एंड इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को बैक आ जाना है, बैक आने बाद यहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ लाइटरूम है ना, यहाँ ओपन, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग के फ़ोन के अंदर इंस्टॉल दिखाई देगा, आप लोग को डाउनलोड करना होगा। तो मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ तो ओपन दिखा रहा है। तो सिंपली आप लोग को बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद सिंपली देखिए यहीं पर आप लोग को सर्च करना होगा, ये देखिए सर्च फॉर एप्स गेम है ना मेरे भाई। सिंपली आप लोग वहाँ पर आ करके लिखना होगा ऑटोडेस्क, AUTO ऑटोडेस्क, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर सर्च करेंगे ना तो देखिए ऑटोडेस्क का लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसका काम फेस स्मूथ फुल एचडी में होता है। तो सिंपली मैं इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया हूँ। तो तीन एप्लीकेशन मैं आप लोग को बता दिया हूँ, इतना करने सिंपल लोग बैक आ जाना होगा। एंड बैक आने के बाद सिंपल लोग फिर से सर्च करना होगा, यहाँ पे क्या करना है पिक्सआर्ट, PIC पिक्सआर्ट, जैसे आप लोग सर्च करेंगे PIC SART, ठीक है मेरे भाई। तो सिंपल लोग यहाँ पे PIC SART सर्च करेंगे तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप लोग के प्ले स्टोर पर आ जाएगा। तो सिंपली देखिए पिक्सआर्ट का लोगो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ तो आप लोग भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद सिंपल लोग को बैक आ जाना है। देन बैक आने के बाद सिंपल लोग को यहाँ लिखना है टूलविज, TOOW, यहाँ पे टूलविज सर्च करेंगे तो देखिए टूलविज एप्लीकेशन सेकेंड नंबर पर आ रहा है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा, इससे आप लोग अपने हेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से फुल HD में एडिट कर पाएंगे। एंड अगर आप लोग को जानना होगा मैं एप्लीकेशन, तो अगर आप लोग को जानना होगा मैं हर एक एप्लीकेशन का अपने YouTube चैनल पे पूरा फुल ट्यूटोरियल बना के डाला हूँ मिक्सिंग करके वीडियो में, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग जान पाएंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग मेरा वीडियो देख करके और आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग सीख पाएंगे। तो सिंपली टूलविज आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद सिंपली आपको बैक आना है, बैक आने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ सर्च करना है सर्च इमेज, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे SAR & CH यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो यहाँ देखिए सर्च इमेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इस एप्लीकेशन से आप लोग PNG को डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी आपको दिखाएंगे PNG को कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सिंपली इतना हो गया ना, इतना होने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना होगा। एंड बैक आने के बाद सिंपली आपको यहाँ लिखना होगा रिमिनी, रिमिनी को आप लोग को तो पता ही होगा किस फोटो को HD बनाने में काम आता है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे रिमिनी को सर्च करेंगे तो रिमिनी एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से लोगो होगा। तो सिंपली आप लोग इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, देखिए मेरे भाई आपको दिखाता हूँ लाइटरूम, ऑटोडेस्क, स्नैपसीड, टूलविज, पिक्सआर्ट एंड देखिए सर्च इमेज। तो सिंपली हम लोग PNG वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। मैं यही एप्लीकेशन यूज करके
एंड अपने फोटो को बहुत ही ज़्यादा फुल HD में मैं बना लेता हूँ। अगर आप लोग को भी सीखना होगा ट्यूटोरियल तो मैं अपने YouTube चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, आप लोग जा करके वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फिर यहाँ पे आप लोग को देखिए कोई सा PNG ढूंढना होगा तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डॉग PNG, ठीक है। डॉग PNG सर्च करेंगे तो देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है डॉग PNG HD। तो सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से डॉग PNG आ जाएगा। सिंपली यहाँ से हम लोग बैक आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग को गुलाब चाहिए रोज ROSE, आप लोग यहाँ पे रोज क्लिक सॉरी पेन टाइपिंग करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे रोज PNG आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देखिए जो डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा सिंपली वहाँ पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं तो देखिए डाउनलोड कंप्लीटेड हो गया। तो आशा करते हैं फिर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग डाटा से वीडियो डालता आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। यही वीडियो था छोटा सा आप लोग के लिए, मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए मैं कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।